श्रीनगर सिटी में पब्लिक गैदरिंग्स फिलहाल रिस्ट्रिक्ट की जाएगी, स्कूल्स फिलहाल बंद किए जाएंगे, कोचिंग सेंटर्स, जिमनेजियम्स फिलहाल बंद किए जाएंगे जहाँ पे ये हब्स ऑफ स्प्रेडिंग दिस एलिमेंट होती है। हमने कुछ केमिकल्स मंगवाए हैं, हमने 100 बॉडी किट्स मंगवाए हैं, 500 टीम्स बनवाई हैं फॉर स्प्रेइंग ऑफ केमिकल्स, वी हैव मेड 500 टीम्स। इसमें जो केमिकल लगता है क्लोरॉक्स ब्लीच और सोडियम हाइपोक्लोराइड, वी आर बाइंग दैट एंड वी आर ट्राइंग टू बी प्रिपेयर्ड। हम ये कुछ दिनों के लिए स्कूल्स और ये सारे ये बंद इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम इन स्कूल्स को सैनिटाइज करें, स्टरलाइज करें। हमने जो संडे मार्केट है उसको एक दिन तो बंद किया हमने, अब हम उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, स्प्रेड आउट कर रहे हैं ताकि लोगों का हजूम कहीं पे जमा ना हो। स्पोर्टिंग इवेंट्स हम फिलहाल अवॉइड कर रहे हैं। दीज आर नेसेसरी मेजर्स, लेकिन हमें 5, 6 या 7 दिन भी इंस्टीट्यूशंस गैदरिंग्स बंद कर रहे हैं, हम इनको स्टरलाइज करेंगे। अगर वहाँ पे बच्चे होंगे हम स्टरलाइज नहीं कर पाएंगे, हमें एक बायोलॉजिकल ब्रेक, इसमें एक टाइम लैप्स चाहिए 5-6 दिन का, वेयर वी विल टेक ऑल प्रिकॉशंस। 1000 लोग हम बॉडी सूट्स के साथ शहर में निकालते हैं, तैयार रख रहे हैं, स्प्रेयर्स ला रहे हैं टू स्प्रे सोडियम हाइपोक्लोराइड। ATMs फॉर एग्जाम्पल, देखिए टेक्निकल छोटे इशूज होते हैं, ATMs हैं, ATMs में दिन में 200 लोग जाएंगे, वो सेम उनका हैंड कॉन्टैक्ट सेम ATM वाले उस पैनल पे होगा, उसको हमें वक्तन फवक्तन 3-4 बार सैनिटाइज करना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स को सैनिटाइज करना पड़ेगा। और ये पॉलिटिकल इशू है ही नहीं। मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा था कि ललदेर में कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट और लीडर्स गए और वो मास्क बांटने लगे और वहाँ पे इतना बड़ा हजूम जमा हो गया, जो वो मास्क बांट रहे थे वो COVID-19 के लिए लगेगा ही नहीं वो मास्क। सो दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल कैंपेन, नाइदर इट इज अ मैटर ऑफ ओपिनियन। पहली चीज जो मैंने की, हमने कल हमारे हेल्थ ऑफिसर साहब को लाए, डॉक्टर साहब जिनका ये डोमेन है, और हमने उनको बोला आप हमें टेक्निकल एक व्यू दीजिए, शुड वी क्लोज डाउन स्कूल्स इन श्रीनगर सिटी, इनको स्टरलाइज करने के लिए गैप 5-6 दिन का आना चाहिए। उन्होंने कहा एब्सोल्युटली विदाउट एनी डाउट, वो डॉक्टर हेल्थ ऑफिसर है श्रीनगर के। मैं कहा डॉक्टर साहब शुड वी क्लोज इट, ही सेड एब्सोल्युटली विदाउट एनी डाउट इन माय टेक्निकल ओपिनियन इट शुड बी क्लोज। लोगों से यही गुजारिश है, पैनिक की कोई गुंजाइश नहीं है, जरूरत नहीं है, लेकिन एक रियलिटी है। मैंने कल प्राइवेट हॉस्पिटल्स के वीडियोस देखे, आपके वेटिंग रूम में 300-400 लोग हैं, खांस रहे हैं, साथ साथ बैठे हैं। We have the power to shut these private hospitals in the interim. Private hospital hub of spread of disease नहीं बनना चाहिए, वो मदद करना चाहिए situation में। तो मेरी hospital से गुजारिश है, schools से, colleges से, university से, follow WHO guidelines. एक हफ्ते 2 हफ्ते तक थोड़ी inconvenience होगी, लेकिन आप खुद खुदारा बोले, हम सब इस शहर में रहते हैं, हमारे अहलो आयाल रहते हैं, बच्चे रहते हैं, अगर एक हफ्ते 10 दिन की हमने inconvenience ले ली और precaution सारी ले ली, what is wrong in that? ये कौन सा मैटर ऑफ एक डिसएग्रीमेंट बन गया? और ये टर्फ वॉर तो है नहीं, शहर हम सबका है, रियासत हम सबकी है। वी शुड नॉट मेक दिस एन इशू ऑफ डिबेट। आप को हम सर्कुलेट भी करेंगे कि हमने क्या डिसीजन कल ऑफिशिएट किए हैं, इंप्लीमेंट किए हैं। एक डिसीजन हमने ये भी लिया है कि कॉन्ग्रीगेशंस अवॉइड हो। कल जुमा फ्राइडे है, फ्राइडे की नमाज होगी, हम कोशिश करेंगे कि उसके बाद हम वी विल ट्राई टू डिसइंफेक्ट, फ्यूमिगेट, स्प्रे द एरियाज। लेकिन इसमें रिलीजियस सेंसिटिविटीज को भी इशू नहीं बनाना है। आप हरम शरीफ का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे द होलीएस्ट ऑफ द साइट फॉर इस्लाम, 2 दिन तो वो भी क्वारंटीन में कर दी गई ना, बिकॉज द एफर्ट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द लाइफ इज द फोरमोस्ट गोल।